दोस्तों आप लोगों को चांद दिखाते हैं। हम मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी गांव में है। मम्मी को बहुत याद आ रही है आज। मेरी मम्मी देख रही है तो मम्मी को भी जान मुबारक। ये हमारी मेहंदी वाली दीदी हैं, देखो बढ़िया सा मेहंदी लगा रही हैं। क्या कैसा है बालों में, कैसा रहेगा? चल तो हम यहाँ से लेंगे ये बनारसी से वहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 30वां रोजा, तो आप सबको हमारी तरफ से 30वां रोजा मुबारक हो। और आज रमजान का आखिरी दिन है, इंशाल्लाह चांद निकलेगा और कल हैप्पी वाला ईद होगी, काफी मजा आएगा। तो कल की ईद मनाने की तैयारी आज ही से हमको सब करना पड़ेगा, क्योंकि बनाना पकाना है सब कुछ, इनको लेके आना है मार्केट से। तो हम लोग चलते हैं मार्केट से और सारे बनाने पकाने का सामान लेके आते हैं। शादी में माशाल्लाह के पूरे रोजे हो गए हैं, तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी अपने शादी में मालिया के लिए कि उन्होंने पूरे रोजे रखे हैं। शादी का ये पहला साल है जब शादी में अपने पूरे रोजे रखे हैं, मतलब हाँ। पूरे 30 के 30 ऐसे भी रखते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब के पूरे रखे माशाल्लाह। तो अच्छे से ईद मनाएंगे हैप्पी वाला, तो आप लोग हमारे इसमें शामिल रहना। तो चलते हैं हम लोग मार्केट, तभी हम आगे समय लेने के लिए। तो हम इसमें तो कौन सी समय लेंगे, कौन सी लेंगे भैया? ये वाली हाँ, ये ले लीजिए। समय ही दुकान में देखो, पूरा भरा समय। ये देखो मेरे समय, ये पूरा मैं वगैरह देखो भरा हुआ है। तो हम यहाँ से लेंगे ये बनारसी समय। आप लोग कौन सी समय खाते हो, कौन सी लेते हो बताएं जरूर। हम लोग तो बनारसी समय खाते हैं ज़्यादातर, हम लोग यही लेते हैं हर साल बनारसी। ये हम बनाएंगे कैसे, कौन सी समय बनाएंगे? खीर कौरमा बनाएंगे हम। यहाँ से मसाले वगैरह भी ले लेंगे, तो हम ऑयल ले लिए, अपना खाने वाला सामान, कस्टर्ड, मसाला, चावल, समय सब ले लिए। चलो आज मिनी आलू लेंगे। ये बड़ा आलू लेना, चल ले ले। ये है छोटा टमाटर, ये है बड़ा टमाटर। ये 20 का किलो, ये 20 का सवा किलो। तो कही हमारी 1.25 किलो वाला लेगी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लेने खरबूजा, तो हमने खरबूजा का वजन भी करा लिया है और अंकल को पैसा भी दे चुका है। खरबूजा हमको मिला है 100 रुपये का 3 किलो, एकदम सस्ता हो गया खरबूजा। मेरे को क्या बोल रही है, बोल रही है फीका होगा तो वापस। चलो ठीक है। अभी हम कलिंगर ले लिए, जिसको आप लोग तरबूज बोलते हो, मुंबई में कलिंगर बोलते हैं इसके लिए। आप लोग वहाँ पर कमेंट करते हो कलिंगर नहीं होता, तरबूज होता, तरबूज ले लिया। अभी दोस्तों पूरा सामान झोला भर गया, एक एक सामान इसको याद आता है, ये नहीं लिया वो नहीं लिया। एक बार में बता दो सारा सामान ले लो, एक एक सामान बताती हूँ तुम यार। और आखिरी रमजान है, देख लो क्या क्या ले रही, इतना सामान ले रही है, आखिरी रमजान है आज। हाँ खाएंगे ना बाद में भी खाएंगे, नहीं आप लोग बोलोगे आखिरी रमजान में इतना सामान ले रहे हो। तो भैया कहाँ, चलो भैया ले लो फिर। चलो अच्छा माल है, मीठा ताज़ा। अभी हमने पपैया ले लिया है, तो हम लोग सामान लेके आ गए घर। और इसलिए आप लोग को बताना भूल गया कि इनका और सादिम का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, फाइनल एग्ज़ाम इन लोग का हो गया, कल लास्ट पेपर था दोनों जन का। अब इन लोग का रिजल्ट का इंतजार है, देखते हैं जब रिजल्ट आता है कितने मार्क्स आते हैं, अच्छे आते हैं, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, मीडियम आते हैं। अभी हम नमाज पढ़ के आ गए हैं, अभी चलते हैं हम लोग सैलून, उनका सादिम का बाल कटाना ना। ये देखो उससे काफ़ी बड़े बड़े बाल हो गए हैं, सैलून में तरीके से बाल कटाएंगे, ज़्यादा छोटे नहीं कराएंगे, थोड़ा थोड़ा कराएंगे ना। चलो अब अपने सादिम भाई का नंबर आ गया है, एकदम ख़तरनाक वाली हेयर स्टाइल निकली गया सादिम, ईद वाली ना एकदम ख़तरनाक वाली। देखते हैं कैसा लगता है, अभी देखा कैसा है बाद में कैसा रहेगा। चल सिंपल ही रहता है, ये देखो यहाँ दूध निकल रहा है एकदम पूरा भरा हुआ है, एकदम प्योर दूध है ये। हमको लेना मावा और दही, दही लेना है और मावा लेना है, एकदम प्योर दूध मिलता है यहाँ पे, भैंस का प्योर दूध ना। दूध दही मावा लेके आगे, तो दूध दही मावा से क्या बनेगा फिर तुम बताओ? देखो पहले तो सिमई बनेगा घर में, शेर खोरमा ना, शेर खोरमा बनेगा। और दही दही किस काम में आएगा चलो बताओ? दही काम में आएगा, दही फुलके में, दही फुलका बोलते हैं ना, क्या दही फुलका नहीं, दही फुलके मतलब दही वड़ा भी बोलते हैं ना उसको, दही वड़ा बोलेंगे, दही फुलके बोलेंगे। चलो दही फुलके बनेगा, उसमें दही काम आएगा, और बिरयानी बनेगी, बिरयानी तो उसमें कचूमर जो बनेगा ना, कचूमर, ये देखो बिरयानी चावल अलग से लाए हम लोग, कचूमर जो बनेगा उसमें दही लगेगा, और दही फुलके में दही लगेगा। और ये मावा जो है ये शेर खुरमा, सेवई भी बोल सकते हैं, शेर खुरमा भी है ना, सेवई बनेगा जो सेवई में। हाँ और साथ में बनेगा घर में रगड़ा, और साथ में रगड़ा भी बनेगा, मेरा फेवरेट। हाँ
शादी में हमारा ज़्यादा हेयर स्टाइल करवाता नहीं, सीधा सिंपल बाल करवाता है, एकदम नॉर्मल ज़्यादा प्यारा बच्चा दिखता है। तो मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो कल ईद है तो एक काम तो बहुत जरूरी है हमारी मारिया बिटिया के लिए, वो है मेहंदी लगवाना और इनकी मम्मी भी लगवाएंगी, तो ये दोनों जा रहे हैं मेहंदी लगवाने, अच्छी मेहंदी डिजाइन लगवाना, मेरे नाम की मेहंदी लगवाना कल यहाँ। तो ये हमारी मेहंदी वाली दीदी हैं, देखो बढ़िया सा मेहंदी लगा रही हैं मारिया को। वाह, पीछे तो कब से है, हाँ पीछे अच्छा लग रहा है, तुम भी लगवाओगी मेरे नाम वाली मेहंदी। चलो उसको मेरे नाम की मेहंदी लगा देना। तो दोस्तों हमारी अफ्तारी लग गई है, तो आज इस रमजान की ये आखिरी अफ्तारी है, और आज हम कहिए हल्का फुल्का आइटम बनाएंगे, ज़्यादा आइटम बनाएंगे आज। तो हाँ लोग मेहंदी लगवाने गए थे उसमें काफ़ी टाइम लग गया, देखो अभी लगी है क्या मेहंदी, अभी छोड़ाई इनकी, और ये मेरे नाम की मेहंदी लगवाई, नाम दिखाओ मेरा, ये देखो दोस्तों एम से मुकीम आर से रुकैया और बीच में दिल बनवाई है। कभी मेहंदी कैसी लगी कमेंट जरूर करना आप लोग, इनकी ज़्यादा अच्छी है हमारी की ज़्यादा अच्छी है बताना मुझे। हाँ मुझे तो लग रहा है नहीं पता नहीं, आप लोग बताना कलर आ रहा मेरा, नहीं कलर तुम्हारा भी आएगा ना, लेकिन चलो ठीक है। तो दोस्तों कल से रोज़ा नहीं रहेगा, अफ्तारी भी नहीं रहेगी, बहुत अंदर से मुझे बड़ा सैड सैड फील हो रहा है, पर कल हमें सिवई खाने मिलेगा, सिवई खाने तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो रौनक आज तक थी ना रमजान में, ईद के बाद वो रौनक थोड़े ना रहेगी, कल से ये सब ऐसा दिखेगा नहीं, खाने को खाएंगे लेकिन ये मज़ा नहीं रहेगा जो मज़ा रमजान में था। और हम लोग बताएंगे कि शादी के इस साल के सबसे पहली बार मतलब पूरे रोजे हो गए, पूरे के पूरे साल में रखा है, इसको मैंने बोला था कि सारे रमजान के बाद जो भी बोलेगा गिफ्ट दिलाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई अगर गिफ्ट बताऊंगा नहीं क्या दिलाऊंगा, ये जो बोलेगा दिलाऊंगा गिफ्ट, पूरे रोजे माशाल्लाह हो गए, पहली बार साल में, अब के साल पहली बार ऐसा कि साल में पूरे रोजे रखे हैं माशाल्लाह, तो इनको भी दिलाऊंगा और इनको भी, ये तो रखते हैं अब पिछले साल कई साल से रख रहे हैं पूरे पूरे रोजे, लेकिन इनको भी कुछ दिला दूंगा, चलो ठीक है। आप लोग घर में बच्चों में किस किस के पूरे रोजे हुए कमेंट जरूर करके बताना ना, आपके घर में किस किस करो बच्चे नहीं किस, शादी में पूरे रोजे रखे तो मुझे इसके लिए बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे ने पूरे रोजे रखे माशाल्लाह, और हो सकता है शादी में देखते हुए बहुत से बच्चे लोगों ने रोजे रखे हों, है ना, क्योंकि कई कमेंट मुझे आ रहे थे कि शादी को देख के मेरे बेटे ने भी रोजा रखा, मेरी बेटी ने भी रोजा रखा, तो कमेंट आ रहे थे मुझे, तो अच्छी बात है। तो दोस्तों अजान हो गई, हम लोग रोजा खुलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी मगरिब की नमाज पढ़ ली है, तो चलते फटाफट हम ईद का चांद देखते हैं ना, चलो फटाफट आप लोग को भी दिखाते हैं ईद का चांद। हाँ चलो, तो दोस्तों आप लोगों को चांद दिखाते हैं हम, ये देखो चांद माशाल्लाह, ये सब ब्लर हो रहा है, देख कर लेना हम लोग, ये देखो ये माशाल्लाह देखे चांद। तो सभी हमारे सभी देखने वालों को, सारे सपोर्टर्स, सारे फॉलोअर्स, सारे चाहने वालों को ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। चलो तो कल इंशाल्लाह हम लोग बढ़िया से ईद मनाएंगे, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, ये तो हमारे शहर भी देख लो आप लोग थोड़ा सा ये, और चांद भी देख लो ये, तो हम चांद देख ही रहते हैं, इनकी मम्मी भी आ गई दुकान चांद देखने के लिए माशाल्लाह। चलो तो चांद मुबारक आपको भी, और सालिम को भी चांद मुबारक, हमारे साथ और हमारे सारे चाहने वालों को चांद मुबारक, माजे कहाँ हैं, माजे घर में, उसको भी चांद मुबारक करते हैं अभी, चांद मुबारक हो, आपको भी मुबारक, चांद मुबारक हो बेटा माशाल्लाह, बच्चे लोग सारी खुशी तो बच्चों में होती है माशाल्लाह, और फैमिली है हमारी देखो, और ये रमजान हमारा अच्छे से हो गया, हमें को भी होना वाला, मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी गांव में, मम्मी को बहुत याद आ रही है आज, मेरी मम्मी देख रही है तो मम्मी को भी चांद मुबारक और ईद मुबारक, मेरी मम्मी के लिए दादी के लिए भी दुआ कर रहा हूँ बहुत सारा, हाँ पता नहीं रोना आ गया तो पूरे रमजान में रोया नहीं, उसकी आज रोना आ गया मुझको, तो आप सब लोग को बहुत बहुत प्यार दोस्तों, आप लोग प्यार बना के रखो। तो दोस्तों की हमारी सारी तैयारी हो गई है, और आज का हम जो ब्लॉग हम यहीं पर आए करेंगे, आप लोग के लिए हम बहुत सारी दुआएं करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग का भी अच्छे से जाएगा, हमारा भी अच्छे से हो जाएगा, पूरा रमजान तो माशाल्लाह अच्छे से हो गया, सबके रोजे भी अच्छे से हो गए, बहुत अच्छा लगा,
लेकिन आप लोग इस बात भी हमें ऐसे सपोर्ट करते रहना, प्यार बनाए रखना सब लोग। और हम अपने हिंदू भाइयों बहनों के लिए भी बोलेंगे कि वो भी हमारे लिए दुआएं करें, हमारे ईद में शामिल हों। हम लोग कोई हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करते, हम लोग सब एक जैसे रहते हैं। हम सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना त्यौहार है। हम आपके त्यौहार में बधाइयाँ देते, आप हमको हमारे त्यौहार में बधाइयाँ दो। मिलजुल के रहो सब लोग, एकता बनाए रखो। तो हमारे हिंदू भाई लोग को भी ये ईद का चांद मुबारक हो। और ये अभी ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और इसका ब्लॉग अब यहीं से हम ईद का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे यहीं से। आज रात का और कल पूरा दिन का ब्लॉग बनाएंगे ईद का, तो वीडियो का आप लोग जरूर देखना, वो वीडियो कल आएगी। तो मिलते हैं कल को कल वाली वीडियो में। थैंक यू, बाय।